भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम हमारे देश के बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति के दिलों दिमाग पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं, विदेश में भी नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग पहचानने लगे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ही कम समय में नरेंद्र मोदी जी ने अपने बेहतरीन कार्य से भारत की जनता का दिल जीत लिया है। एक आम इंसान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी बिना हार माने हर समस्याओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और देश के लिए कुछ कर गुजर जाने के लिए जुनून ने उन्हें आज सबसे सफल व्यक्ति बना दिया, जिन्हें आज लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं, उनके बताए हुए हर नक्शे कदम पर चलते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी और उनकी लाइफ स्टोरी। उनसे प्रेरित होकर हमें भी अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल करनी चाहिए। जिनका जन्म नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक छोटे से गांव वाडनगर में हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद और माता हीराबेन की 6 संतान थी। उनमें से ये तीसरे संतान नरेंद्र जी हैं। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता सड़क पर व्यवहार करते थे। उनका चाय का एक दुकान था और अपने पिता की सहायता करने के लिए नरेंद्र जी छोटी सी उम्र में ही उनका हाथ बटाया करते थे और उनकी माँ भी परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मोदी जी गरीबी में जिंदगी गुजारते थे। छोटी सी उम्र में ही उनकी संघर्ष भरी जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल में काम करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे और घंटों पुस्तकालय में किताबों के साथ वक्त गुजारा करते थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वडनगर से ही प्राप्त कर ली। उनके स्कूल के अध्यापक और सहपाठी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक साधारण छात्र थे और एक जबरदस्त वाद विवादी और कुशल वक्ता भी थे। अपने स्कूल के नाटकों और भाषणों में भी हिस्सा लेते थे और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिलते थे। अपने स्कूल के दिनों में ही नरेंद्र जी ने मेहसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जवानों से भरी ट्रेन में जाकर उनको चाय और खाना दिया करते थे और 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ की प्रकोप से लोग जूझ रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने वहां के लोगों की काफी सहायता की थी। नरेंद्र जी स्वामी विवेकानंद जी के भक्त, स्वामी जी के कार्यों से उन्हें काफी प्रेरणा मिली और उन्हीं की वजह से उनमें देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया और बचपन से लेकर अब तक मोदी जी इसी राह पर चलते आ रहे हैं और उन्हीं ने देश के लिए और उनके लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया में हमारा देश रोशन हो जाए। 13 साल की उम्र में मोदी जी का विवाह उन्हीं के गांव में रहने वाली जशोदाबेन नाम की लड़की से करा दिया गया। मोदी जी को ये बात पसंद नहीं थी और फिर कुछ साल बाद घरेलू समस्या की वजह से उन्होंने घर ही छोड़ दिया और अपना समय उत्तर पूर्व की यात्रा करने में लगाए और भारत के अलग अलग जगहों पर भी गए। 2 वर्षों बाद वे वापस अपने घर लौटे। इन दिनों 2 वर्षों में उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। सन 1971 में मोदी जी ने अहमदाबाद जाकर वहां के रूप में आरएसएस के साथ जुड़कर उनके सदस्य बन गए। उसके बाद में मोदी जी ने अपना पूरा जीवन राजनीति को समर्पित कर दिया। आरएसएस के साथ मिलकर काम करते थे और जरूरतमंद लोगों की तकलीफों को समझकर उनकी सहायता करते थे। काम करने के साथ साथ मोदी जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। 1972 से 1975 में जब देश राजनीति में अनबन शुरू हो गई, तभी देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की और आरएसएस जैसी राजनीतिक संस्थाओं को देश से हटाने का आदेश दिया। फिर भी मोदी जी भेष बदलकर देश की सेवा की और सरकार की गलत विचारों और नीतियों का विरोध किया। उसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष माँ गुजरात, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति का वर्णन किया था। आरएसएस के सदस्य बनकर मोदी ने ईमानदारी से अपना काम किया और देश की सेवा की। उसके बाद उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। उनके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी सहयोग मिला और उनके अद्भुत कार्य की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता रहा। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसमें बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और उसके बाद जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तो पूरे गुजरात में भारी कहर सा टूट पड़ा और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया।
मोदी जी ने समझदारी और कुशलता से भूकंप राहत कार्य संभाला और महज 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। उसके बाद में जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी जी ने हर गांव हर शहर में जाकर रैलियां की और अपनी मन की बात आम जनता के सामने रखी। उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनने के लिए अनगिनत लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनके देशभक्ति विचारों और नामुमकिन कार्यों को मुमकिन कर दिखने की क्षमता को देखकर भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। देश के प्रधानमंत्री घोषित किए जाने के दिन से ही मोदी जी ने अपना सारा समय देश की प्रगति की ओर लगा दिया। बहुत सारी विदेशी यात्राएं की और वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से मिलकर देश की प्रगति के बारे में बातचीत की और भारत के साथ विदेशों का रिश्ता मजबूत बनाया। नए नए और बहुत सारे योजनाओं का स्थापना किया, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना इत्यादि, जैसे कि देश भर में लोगों को काफी बदलाव देखने को मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने अब तक एक भी छुट्टी नहीं ली है और बिना थके और रुके वे एक भी दिन 18 घंटे काम करते हैं। अपने कामों के साथ साथ मोदी जी ने अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा है और प्रतिदिन योगा भी करते हैं। ये रही मोदी जी की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर कहें और अपना हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे आपको ताजी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।